दोस्तों, आजकल हमें भारत के लगभग हर बड़े शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और इस जाम के कारण कभी कभी हमारी फ्लाइट्स या ट्रेन्स भी मिस हो जाती हैं, या और भी तरह तरह की वो घटनाएं हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। और यह ट्रैफिक कंजेशन आने वाले समय में और बेतहाशा बढ़ने वाला है। तो अब एक अमेरिकन एयरोस्पेस कंपनी जॉन्ट एयर मोबिलिटी भारत में अब अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है। दोस्तों, सबसे खास बात तो यह है कि जॉन्ट एयर मोबिलिटी दिल्ली में जन्मे और इंडियन अमेरिकन चिरंजीव कथूरिया की कंपनी एयरो ग्रुप का पार्ट है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार जॉन्ट एयर मोबिलिटी ईवीटॉल यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेकऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सीज का प्लांट भारत में खुलने जा रही है। ईवीटॉल के सर्वे के अनुसार बेंगलोर एयरपोर्ट से इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाने में सिर्फ 2 घंटे का समय और इसी तरह से मुंबई एयरपोर्ट से नरीमन पॉइंट जाने में सिर्फ 1 घंटे का समय इस एयर टैक्सी से लगेगा। ईवीटॉल ऐसे ही कंजेस्टेड रूट्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। ईवीटॉल ने ऐसे ही बहुत सारे रूट्स भारत में प्लान कर लिए हैं। भारत में ईवीटॉल के असेंबली यूनिट लगाने में लगभग 600 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। एयरो ग्रुप के मालिक कतुरिया के अनुसार भारत में साल 2030 तक ट्रैफिक कंजेशन चरम पर होगा और तब तक भारत में यही यूनिट भी ऑपरेशनल हो जाएगी। इसे भारत में उपयोग के लिए बनाया जाएगा और फिर इसे साउथ एशिया के मार्केट में भारत से ही एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। ये ईवीटॉल एयर टैक्सीज एक बार में 450 किलो तक के वजन को ढो सकती है और मैक्सिमम 6,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकती है। यह एयर टैक्सीज एक बार में 2 पैसेंजर्स को 145 किलोमीटर तक ले जा सकती है। इन इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज की बैटरीज फास्ट चार्जिंग है और मात्र 6 मिनट में ही चार्ज होने के बाद ये हवा में उड़ सकती है। जॉन्ट एयर मोबिलिटी भारत में महिंद्रा या टाटा के साथ पार्टनरशिप करने की सोच रही है। दोस्तों, अभी जॉन्ट एयर मोबिलिटी ने LNT के साथ एक टाई अप किया है और अब इसका लक्ष्य अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन यूनियन एविएशन रेगुलेटर से साल 2026 तक सर्टिफिकेशन लेना है और फिर 15 लाख एयर टैक्सीज को अमेरिका में बनाना और फिर अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन यूनियन में इसकी डिलीवरी करना है। अमेरिका के बाद कंपनी भारत में अपनी दूसरी असेंबली यूनिट लगाएगी। दोस्तों, LNT से टाई अप के कारण जॉन्ट एयर मोबिलिटी को काफी फायदा होगा, जैसे कि स्ट्रक्चरल डिजाइन एनालिसिस और सर्टिफिकेट सपोर्ट। और वहीं दूसरी ओर इसने फ्लाइट कंट्रोल्स, पावर मैनेजमेंट और एनर्जी स्टोरेज के लिए BAE सिस्टम्स के साथ टाई अप किया है। दोस्तों, यहां आपको यह भी बता दें कि जॉन्ट एयर मोबिलिटी हेल्थ केयर सेक्टर में अमेरिकी बाजार में ड्रोन सर्विस डिलीवरी पहले से ही कर रही है। अब भारत में भी उसने इस सिलसिले में इम्पोर्टेंट प्लेयर से बात करनी शुरू कर दी है।